असलम टेंथ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर थर्टीन चैप्टर का नेम है बायो केमिस्ट्री इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एमसी क्यूज को जिलेटिन प्रोटीन इज फाउंड इन ए एम सी क्यू स्किन बी एम सी क्यू बोन्स सी एम सी क्यू है ब्लड और डी एम सी क्यू है हार्ट याद रखिएगा जेलेटिन प्रोटीन जो होती है ना ये हड्डियों को जब गर्म करते हैं आप हड्डियाँ लेके इसको क्या करो गर्म करो इसको हीट करो हीट करने से हमारे पास जो तो प्रोटीन बनती है वो जेलेटिन प्रोटीन होती है वो क्या होती है हमारे पास जेलेटिन होती है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बोन्स लैक्टोज एंड माल्टोज आर लैक्टोज और माल्टोज हैं एएमसी क्यों है मोनोसेक्राइड बीएमसी है डाई सेक्राइड्स डीएमसी क्यों सीएमसी क्यों टेट्रासेक्राइड और डीएमसी क्यों ट्राईसेक्राइड तो करेक्ट आंसर इज डाई सेक्राइड मतलब जो लैक्टोज और माल्टोज है ना इसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं दो मोनोसेक्राइड यूनिट होता है जिसकी वजह से हम डाइसेक्राइड का नाम दे रहे होते हैं तो करेक्ट आंसर इज डाइसेक्राइड स्मेल ऑफ रेंसिड बटर जो बासी मक्खन होता है उसकी स्मेल किस की वजह से हो रही होती है इज ड्यू टू तो द प्रेजेंस ऑफ ए एमसी क्यू है एसिटिक एसिड बी एम सी क्यू है प्रोपेनोइक एसिड सी एम सी क्यों है सिट्रिक एसिड और डीएमसी क्यों है ब्यूटोनॉइक एसिड तो करेक्ट आंसर इज ब्यूटोनोइ एसिड द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज अ ड्रग टू कंट्रोल ब्लीडिंग अगर खून बह रहा हो उस खून को रोकने के लिए इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है ए एम सी क्यों है लिपिड्स बीएमसी क्यों प्रोटीनस सी एम सी क्यों है वाइटाम्स और डीएमसी क्यों है ग्लेराइड तो करेक्ट आंसर इज प्रोटीन विच इज अ हेरिडिटी मटेरियल इनमें से कौन सा विरासती मटेरियल है या मादा है एएमसी क्यों है डीएनए बीएमसी क्यों है प्रोटीन सीएमसी क्यों आर एन ए और है, आल होते हैं और याद रखिएगा हेरिडिटी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए ठीक है हमारे पास डी एन इसको आप एक और भी नाम दे सकते हैं अगर आपको पेपर में आ जाए न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली दो चीजें आ रही होती हैं डीएनए और आर दोनों चीजें आ रही होती हैं अगर न्यूक्लिक एसिड का ऑप्शन हो तो भी सही है नहीं तो अगर डी स्पेसिफिकली करके पूछ, पूछ लिया जाए तो भी सही है सेंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज डायरेक्टेड बाय इनमें से किस चीज की वजह से इंसानी में प्रोटीन बनती है ए एम सी क्यों है डी एन ए आर एन ए बी एम सी क्यों है बोथ ऑफ द मतलब डी एन ए और आर एन ए दोनों नन ऑफ देक्ट आंसर इज आरएनए आर एन ए की वजह से इंसानी जिसम में प्रोटीन बन रही होती है मतलब आर एन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोटीन सेंथसिस प्रोटीन सेंथसिस में आर एन ए को इस्तेमाल किया जाता है सही है तो करेक्ट आंसर इज ए द मोस्ट इंपॉटेंट ओलीगोसेक्राइडज इनमें से कौन सा ओलीगोसेक्राइड सबसे ज़्यादा अहम है ए एम सी के माल्टोस बी एम सी के फ्रैक्टोस, सी एम सी के सुक्रोज और डी एम सी के ग्लूकोज तो इसमें करेक्ट आंसर इज सुक्रोज. सुक्रोज कौन सी चीनी है जिसको हम आम जबान में चीनी कहते हैं ना सुक्रोज यही चीज़ है